सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय मार्ग पर मलिकपुर बाईपास के करीब ट्रक और बस की भिड़ंत में एक की मौत और 22 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए पठानकोट के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मामला शुक्रवार सुबह का है, जब बस और ट्रक इस हादसे का शिकार हो गए। जम्मू से आ रही निजी बस सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई, जिसके चलते बस में सवार 22 लोग जख्मी हो गए हैं। इस बारे में जख्मी यात्री ने जानकारी देते हुए बताया कि रात की बस जमुना ट्रैवल से मेन स्टॉप गांधीनगर से चढ़ा और मैं अमृतसर के लिए बुक की थी, अमृतसर जा रहा था। रास्ते में पठानकोट के आसपास कहीं पे किसी ढाबे पे खाना खा के गाड़ी निकली बस, जस्ट और एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं पड़ी क्या हुआ, तो जैसे तैसे वहाँ से निकले, दरवाज़ा लॉक हो गया था, गाड़ी बिल्कुल खाई में थी, शीशा तोड़ के जैसे निकले, एक आधे लोग उनके पीछे मैं भी निकला, बाकी लोगों को दरवाज़ा खोलने की कोशिश की हमने, पर वो लॉक था। फिर आसपास के लोग आए, उन्होंने कहा आप लोगों को बहुत लग गई, आप आ जाओ, हम करते हैं, उनको निकालते हैं। दूसरी तरफ इसी बारे में जानकारी देते हुए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 22 मरीज लाए गए थे जो सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। एक बस जी थी जे एंड के की बस थी जी अमृतसर में जा रही थी, और बहुत ज्यादा सवारियां थी, वो सवारियां डीपी रेजिडेंस के लागे कि ढाबे को खाना खा के जो जा रही थी, तो रस्ते के जी बस है टक्कर ट्रक न हुई है, जिदे साढ़े को 22 केस इतने आए हैं, जिन्हों एक तो मौके पर डैथ हो गई सी, तो बाकी 21 केस जे अं दाखिल किए, उन्होंने 2-3 केस जो सीरीयस है, तो बाकी सारे अं फर्स्ट एड दे के एडमिटेड है। जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, बाकी सभी का इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। गुरदासपुर से राजेंद्र कुमार, इंडिया आप तक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।